द्वारकाधीश दर्शन किए, बेट द्वारका महादेव के आप भक्त है वहाँ दर्शन किए, कैसा रहा पूरा प्रवास? और बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत रहा। और द्वारका नगरी तो मैं हमेशा कहती हूँ दिव्य नगरी है, यहाँ की हर चीज़ ही अद्भुत है। और जैसे कि भगवान के दर्शन हुए श्री कृष्ण के, तो हर कण कण में यहाँ जो द्वारकाधीश है वो समाए हुए हैं। और द्वारकाधीश के दर्शन होते ही हम तो धन्य हो जाते हैं, हमेशा ही धन्य हो जाते हैं। और हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना हम आए यहाँ पे प्रभु के दर्शन करने, मगर जब भी काम से मिलता है मौका तब आ जाते हैं। और वो जो पानी के अंदर का पूरा जो द्वारका की जो नगरी है वो भी ऊपर से हमने देखी। कभी चाहेंगे कि सरकार की ऐसी सुविधाएं हो कि उसके अंदर भी, पानी के अंदर जाके जो नगरी के अवशेष हैं उनको देखें। तो ऐसी महान जो हमारे इतिहास के एक नगर रह चुका है, हमारे महान इतिहास के जो हमारे प्रभु हैं कृष्ण जी, उनकी जो नगरी है हमारे लिए स्वर्ग से तो कम नहीं है। मैम आप आने वाली कौन सी फिल्म में अभी काम कर रही हैं? मेरी आने वाली फिल्म एक तो इमरजेंसी मैंने खुद डायरेक्ट और एक्ट किया है, उसमें प्रोड्यूस भी की है। उसके सिवाय मेरी फिल्म एक थ्रिलर है, फिर एक नोटी विनोदनी करके है, विनोदनी फिल्म, बंगाल की एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं वो। फिर आप सब ने जो एक फिल्म बहुत पसंद की थी तनु वेज मनु पार्ट 3, वो भी अब बनने जा रही है। तो इस तरह के हैं कुछ प्रोजेक्ट जिन पे काम है। राम मंदिर अभी बन रहा है, उसकी डेट तय हो चुकी है, जी क्या कहेंगे? वो भी राम जी की जो जन्म स्थान है, जो जन्म स्थली है, जन्मभूमि जो है, वो 600 साल के संघर्ष के बाद अब जो है बीजेपी सरकार के जो है उनका ये काम है कि ये आज हम भारतवर्ष को ये दिन देखने को मिल रहा है। और हम बहुत ही धूमधाम से, जिसे कह सकते हैं, उससे हम लोग जो है वो मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे। और ये सनातन के लिए एक बहुत बड़ी एक उत्सव है, और एक हम ये उम्मीद करते हैं कि सनातन जो हमारा धर्म है वो उसकी ध्वजा सारे विश्व में लहराए। आखिरी सवाल, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। सचोट समाचारों सौथी झड़पी मेड़ो माटे अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो।